एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द इनलाइटनिंग केमिस्ट्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो चैनल पर वीडियोस अपलोड हो रही हैं, दैट इज फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम बात करेंगे कि हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। ओके, तो मैं यहाँ पर ये मान के चलती हूँ कि आपको एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन निकालना आता है, बिकॉज अभी मतलब लॉर्ड स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो 9th क्लास में। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगी मेटल और नॉन मेटल आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, चलो उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो, यूनिवर्स में जो भी काम होता है या जो कुछ भी हम करते हैं, मान लो हम अपने लाइफ में, अब हम क्या काम है हमारा, हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, है ना? बिकॉज वी वॉन्ट स्टेबिलिटी, कि हम स्टेबल हो जाए, हमारे पास सब हो और हम स्टेबल हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, है ना? इसीलिए यूनिवर्स में हर एक काम करते हैं, हर कोई पर्सन, हर कोई मतलब एलिमेंट मैटर कुछ भी लगा लो, कुछ भी काम होता है यूनिवर्स में, वो किसी भी होता है टू अटेन द स्टेबिलिटी। सिमिलरली ऐसा ही केस है मेटल्स एटम्स के अंदर। एटम भी क्या होना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक है, और एटम के अंदर आपको पता है मूवमेंट किसकी वजह से होती है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में भी होती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम जनरल बात करेंगे कि जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, उससे पहले हाँ, आपको ऑक्टेंट रूल के बारे में पता है? ऑक्टेंट रूल ये कहता है कि कोई भी एटम है वो अपने आप को स्टेबल कब फील करेगा, जब उसके पास नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन होगी। ठीक है, जब किसी भी एटम के पास नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन होगी, मींस उसका ऑक्टेट फिल होगा, तब वो अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा। ठीक है, तो हर एक एटम एक नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अचीव करना चाहता है। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन में बेसिकली होता क्या है, कि या तो किसी एटम के पास टू एलिमेंट हो आउटर शेल में, या एट हो या 18 हो, मतलब ऐसे चल जाता है। बेसिकली आपके लिए बता, हम 2 और 8 की बात करेंगे, कि जब किसी एटम की आउटर शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो हम उसको बोलेंगे उसकी कौन सी कॉन्फिग्रेशन है, नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। ओके, तो पहले मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मेटल योर सोडियम। ठीक है, नॉन मेटल लिया मैंने कैल्शियम। ओके, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होती है, 2, 8 and 1। यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होती है, 2, 8 and 7। मींस ये नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन कब अचीव कर सकता है, या तो ये अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दे, और 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स को और ऐड करके, मींस 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 7 और ऐड कर दे तो 8 हो जाएगा, मींस उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना? या ये हो सकता है कि आउटर शेल में से एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दे, रिलीज कर दे, तो जो अंदर वाली शेल है वो आउटर शेल बन जाएगी, और इसमें ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8, मींस क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, ये तो बात हुई सोडियम। अब सोडियम में से दोनों फेवरेबल, मतलब दोनों केसेस में से ज्यादा फेवरेबल कौन सा है? अब देखो, 7 इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाना अपनी शेल में एक बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल टास्क है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, वो तो 11 है, मींस 11 प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट है, तो प्लस 11 चार्ज है, अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देता है तो माइनस का मतलब 7 चार्ज, माइनस 7 चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और मान लो हमने किसी तरह से उसको ऐड भी करवा दिया उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन शेल में टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास इतनी पावर ही नहीं है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो ग्रैब करके रख पाए, अपनी ओर खींच के रख पाए। क्यों? क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन तो हो गए 18, और न्यूक्लियस कितनों को हैंडल कर सकता है, ओनली 11 को। ओके, तो सोडियम क्या करता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव कर देगा। मैं यहाँ पे करूँ -1, तो क्या हो गया, 2, 8। एक मतलब सोडियम के अंदर से टोटल 11 पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन थे, मींस -11 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब उसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो कितना चार्ज बचा, -10, है ना, तो नेट चार्ज कितना आ गया, +11 और -10, यानी कि प्लस
वन, सोडियम पे कितना चार्ज हो गया प्लस वन, तो ये क्या हो गया Na पॉजिटिव, क्या हो गया Na पॉजिटिव। ओके अब कैल्शियम की बात करें, यहाँ पे भी वही केस है, या तो ये अपनी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवा दे ताकि उसके पास 288 हो जाए, मीन्स आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, है ना, या क्या करे अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दे, रिमूव आउट कर दे। अब इसके पास भी दो केस है, और फेवरेबल केस कौन सा होगा, देखो आपकी फैमिली में मान लो कि 9 मेंबर्स हैं, सॉरी 8 मेंबर्स हैं मूल में, ठीक है, और उसमें से सिर्फ एक ही अर्निंग मेंबर है, है ना, अर्निंग मेंबर है तो फैमिली के अंदर हर एक मेंबर की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो कोई अगर एक इंसान भी एक दिन के लिए भी बाहर चला जाए तो ये होता है ना कि भाई फटाफट आ जा फटाफट आ जा, ऐसे वाला सीन है, है ना। तो ऐसे ही कैल्शियम के साथ सीन है, क्लोरीन के साथ सीन है कि वो अपने 7 मेंबर्स मींस 7 इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को एंट्री करवा देगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे क्या केस हुआ, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन करा दिया इसने, 288, ठीक है, पहले क्लोरीन पे प्लस 17 चार्ज था, है ना, और माइनस 17 चार्ज था, नेट मतलब कितने प्रोटॉन थे उसमें और कितने इलेक्ट्रॉन थे, अब मैंने क्या कराया एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री और करवा दी, तो ये प्लस वाला तो कितना हो गया प्लस 17 और माइनस वाला माइनस 18, बचा क्या माइनस 1, यानी कि नेट चार्ज ऑन क्लोरीन इज माइनस 1 मींस माइनस। इतनी पूरी कहानी आपको समझ में आई, किस तरह से इलेक्ट्रॉन की एंट्री करवानी है, किस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है, ये तो बात हुई मेटल की और नॉन मेटल की सेपरेटली। अब मैं बात करूं कंबाइन, यानी कि इतना पता लग गया सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कैल्शियम एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इतना आया समझ। अब देखो मैं इनके डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, इनकी लैटिस रॉड स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं सोडियम, ठीक है, इसकी आउटर शेल में कितना है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे लिया मैंने क्लोरीन, क्लोरीन में कितने हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, इसकी एक वैकेंट साइट है यहाँ पर, खाली जगह है क्योंकि इसे 8 कंप्लीट करने हैं, तो 8 कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो होता क्या है सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम क्लोरीन ले लेता है, है ना, तो ऐसे बन गया ये, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो गए दोनों को, तो NaCl बन गया जो क्या है हमारा कॉमन सोल्ट। इतनी बात आई समझ, कैसे हुआ है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और कैल्शियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, मींस यहाँ पर सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, क्लोरीन में माइनस 1 चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये थी कि जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें पता लग गया NaCl बन गया, अब इनके अंदर से बॉन्ड कौन सा हुआ, इनमें बॉन्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही दो एटम्स आपस में बहुत क्लोज आ जाते हैं कि हमें वो एक मॉलिक्यूल की तरह लगते हैं, बट एक्चुअली में वो क्या होता है एग्रीगेशन ऑफ मतलब आयनिक स्पीसीज, ठीक है। अब ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज का है, तो आपको पता है कि जो अनलाइक चार्जेस हैं दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अनदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों अपोजिटिवली चार्ज स्पीसीज को एक दूसरे के पास रखता है, ठीक है। तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उससे सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं एक ब्रीफ में थोड़ा सा, मैग्नीशियम लिया मैंने मेटल और नॉन मेटल वाई क्लोरीन लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है इसकी एटॉमिक नंबर इसका होता है 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, वही है इसके लिए भी या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, तो इजी क्या पड़ता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, है ना। और यहाँ पे क्लोरीन का क्या होता है 287,
ये क्या है, या तो अपने 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। तो क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आता है और मैग्नीशियम के ऊपर Mg2 पॉजिटिव आता है। 2 पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करने वाला है, रिमूव करने वाला है, इसीलिए उसके ऊपर +2 चार्ज आया और क्लोरीन में -1 चार्ज आया है। ओके, आप देखो मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊं कि ये किस तरह से आपस में रिएक्ट करेंगे, कितने होल्स मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ। क्लोरीन तो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन लेगा, बट 1 मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो होता क्या है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना प्लस में, क्लोरीन के पास 7 है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंस साइड है, यहाँ इसकी वैलेंस साइड है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। तो उससे बना क्या मेरे पास, यहाँ देखो क्या बना, Mg2 पॉजिटिव और Ca2 नेगेटिव, मींस एक क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज आया, बट मुझे 2 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना था, तो मैंने 2 क्लोरीन का यूज करा और उससे मेरे पास क्या बन गया, जो साल्ट आया वो है MgCl2। इसमें भी वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। ये क्या है, बेसिकली आयनिक कंपाउंड है, सोल्ट जितने भी होते हैं वो बेसिकली आयनिक कंपाउंड होते हैं, बिकॉज ये आयन की कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होते हैं। तो अब हम बात कर लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, फर्स्ट तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर हार्ड, मींस दे आर सॉलिड, सॉलिड है तो और उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो वो क्या करते हैं, हार्ड हो जाते हैं नेचर के अंदर। इसका मतलब क्या है कि हमें ज्यादा फोर्स, ज्यादा एनर्जी चाहिए आयनिक कंपाउंड के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मींस क्या है कि ये सॉलिड है नेचर के अंदर, हार्ड है, और मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देयर बॉन्ड। सेकंड हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। जो आयनिक कंपाउंड है बेसिकली सॉल्युबल है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर या पोलर सॉल्वेंट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल वाटर, और इनसॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर एग्जाम्पल केरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन, वेंजीन, इनमें इनसॉल्युबल रहते हैं। ठीक है, थर्ड हम बात कर लेते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जितने भी आयनिक कंपाउंड है सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज सॉलिड स्टेट में तो वो हार्ड है ना, उनमें कोई मूवमेंट हो नहीं रही है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, तो जो मतलब आयंस है वो एक दूसरे के बहुत पास पास है, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं होगी आयंस की। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब आयंस की मूवमेंट हो, तो ये सॉलिड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि मोल्टन स्टेट में आयंस फ्री हो जाते हैं मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये अब तक हमने बात करी कि उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस के बारे में। अब साथ साथ हम देखते थे इनका मैग्नेटिक वर्ल्ड। अब देखो जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उन सबका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वही रीजन आ जाता है कि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण उनके बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, मींस उनको सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में लाना और लिक्विड से वेपराइज करने में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, मींस हमें ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। इसका मतलब उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। मींस हमने जो बात करी फर्स्ट उनकी क्या बात करा था हमने, फिजिकल स्टेट के बारे में, फिजिकल स्टेट बेसिकली सॉलिड होते हैं, हार्ड है नेचर। ठीक है, सेकंड बात करा हमने सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, थर्ड बात करा हमने कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडक्ट ओनली इन
मोल्टन स्टेट, ओके मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं। और हमने बात करी इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, और वो क्या होता है हाई। ठीक है, तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वो भी टॉपिक वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए। ओके, वी विल मीट यू वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो इन द सीरीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।